लवलीज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग वेल। आज की वीडियो होने वाली है एपिसोड 3 ऑफ फुल फेस ऑफ वन ब्रांड। सो मैंने एक स्विस ब्यूटी का और एक मार्स का वन ब्रांड मेकअप किया हुआ है अपने चैनल पे। तो आज एपिसोड 3 के लिए मैं यूज करने वाली हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक्स मेकअप। सो इनसाइड भी एक बहुत ही अफोर्डेबल ब्रांड है एंड सारे ही इनके जो प्रोडक्ट्स हैं ये अराउंड 200 या फिर मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर अंडर 200। देर आर सम प्रोडक्ट्स दैट आई एब्सोल्युटली लव फ्रॉम दिस ब्रांड एंड देन देर आर सम प्रोडक्ट्स दैट आई वुड नॉट रेकमेंड यू फ्रॉम दिस ब्रांड। सो ऑब्वियसली अगर आपको जानना है कि क्या मुझे पसंद है और क्या मैं आपको ना रेकमेंड करूं, ये वीडियो एकदम एंड तक देखना एंड मैं साथ साथ यू नो प्रोडक्ट यूज करती जाऊंगी एंड अपना रिव्यू आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। ऑल्सो गाइज, अगर आपको कुछ भी प्रोडक्ट्स चेकआउट करने हैं सारे ही लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कुछ प्रोडक्ट्स मेरे पास ऑलरेडी थे और कुछ प्रोडक्ट्स मैंने परचेज किए हैं अमेजोन से। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आई परचेज फ्रॉम अमेजोन क्योंकि मुझे काफी अच्छे डिस्काउंट्स वहां मिल जाते हैं कभी कभी प्रोडक्ट्स पे। और अभी तो वैसे भी उनकी वार्डरोब रिफ्रेश सेल चल रही है जो कि 18 दिसंबर से स्टार्ट हो गई थी और प्राइम मेंबर्स वालों के लिए तो 17 से ही स्टार्ट हो गई थी। सो इसमें आपको मिल जाएगा 50-80% ऑफ ऑन फैशन एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स और मैं काफी एक्साइटेड हूँ आप सबके साथ अपना रिव्यू शेयर करने के लिए। सो या विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद टुडेज फुल फेस ऑफ वन ब्रांड। तो मैं अभी उजड़ा हुआ चमन लग रही होंगी आई एम प्रीटी श्योर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राइमर से। ये वाला मेरे पास पहले से ही था। तो ये इनसाइड का प्राइमर 3-in-1 प्राइम्स प्रोटेक्ट्स एंड मॉइस्चराइजर्स। तो ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है एंड ये मैंने पहले यूज किया हुआ है, मुझे काफी अच्छा लगता है। ऑब्वियसली इसका सिलिकॉन ही सा टेक्सचर है, यू नो काफी ज्यादा स्मूथ बना देता है ये स्किन का टेक्सचर, साथ के साथ पोर्स को भी ब्लर कर देता है। सो मुझको ये प्राइमर अफोर्डेबल कैटेगरी में बहुत पसंद है। मेरी स्किन इतनी ज्यादा स्मूथ फील हो रही है ना, मतलब मैं क्या बताऊं आपको, मुझे मेरे पोर्स भी ब्लर लग रहे हैं गाइज। तो ये है इनसाइड का प्राइमर, वुड हाईली रेकमेंड। अब बारी आती है कलर करेक्शन करने की। आपको तो पता ही है मुझे ये इनसाइड का प्रो कंसील बहुत पसंद है, मतलब इसमें से मैं सिर्फ ये वाला शेड यूज करती हूँ ऑरेंज कलर करेक्टर के तौर पे। मैं यूज करूंगी कफ्स एंड लैशेस का कंसीलर ब्रश। बाय द वे मैं मोस्टली कफ्स एंड लैशेस के ही ब्रशेस यूज करती हूँ। अगर आपको लिंक चाहिए वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए दे दूंगी। तो जहां पे भी मेरे पिगमेंटेड एरियाज है मेरे फेस के उसको मैं अच्छे से कलर करेक्ट कर लूंगी। उससे क्या होता है ना कि आपका फिर फाउंडेशन बेस ग्रे नहीं पड़ता है, या फिर अगर आप कोई ब्राइटनिंग कंसीलर यूज करो तो आपके अंडर आई एरिया एशी नहीं लगती है। you know? मैं काफी अच्छे से कलर करेक्शन करना पसंद करती हूँ। तो मुझको गाइस ये कलर करेक्टर काफी अच्छा लगता है क्योंकि काफी पिगमेंटेड है ये एंड इसका फॉर्मुलेशन वगैरह भी काफी अच्छा है। इट्स क्रीमी बट नॉट वेरी क्रीमी के मतलब यू नो 2 सेकंड में ही क्रीज हो जाए ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो कलर करेक्टर है ना मुझे अफोर्डेबल कैटेगरी में बहुत मस्त लगता है। अगर आपको पूरी पैलेट नहीं लेनी, सिर्फ ये एक अलग सा पैकेजिंग में भी आता है ऑरेंज करेक्टर, आप वो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो क्योंकि ये मेरे दिल के बहुत करीब है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला प्रोडक्ट। सो या इसके बाद मैंने एक्चुअली 2 फाउंडेशन भी लिए हैं। 2 इसलिए लिए हैं क्योंकि यार एक लेती हूँ ना तो फिर शेड गलत निकल आता है, मतलब शिवानी ऑनलाइन फाउंडेशन खरीदे और शेड सही निकले ऐसा बहुत कम होता है। तो इसीलिए मैंने 2 फाउंडेशंस लिए। तो सबसे पहला है ये इनसाइड का स्टे मैट लिक्विड फाउंडेशन। ये फुल कवरेज देता है एंड इसकी मैट फिनिश है और ऑयल फ्री पैराबन फ्री है ये। तो देखते हैं कि इसकी कवरेज कैसी है, इसकी फिनिश कैसी है। एंड देन दूसरा वाला है ये वाला जो कि है हाई कवरेज HD फाउंडेशन और ये है ड्यूई फिनिश का। ये भी हाई कवरेज देता है, लाइट वेट फॉर्मूला है, फ्रेग्रेंस फ्री, पैराबन फ्री। तो आई थिंक कि एक तरफ मैं ये मैट फिनिश वाला ट्राई करूंगी और एक तरफ मैं ड्यूई फिनिश वाला ट्राई करूंगी और देखूंगी कि ज्यादा बेटर कौन सा शेड मैच करता है। मैंने तो एक बार भी स्वॉच करके नहीं देखा। तो ये वाला जो मैंने शेड लिया है गाइज ये है MNY20 मैट फाउंडेशन। इसका शेड है, वेट आई विल जस्ट सी कि कौन सा शेड मंगवाया था मैंने, इस पे शेड ही नहीं लिखा है। ओके सो द शेड इज 06 सॉफ्ट टैन। देखते हैं साइड बाय साइड। और एक और चीज मैंने क्या मंगवाया था, हाँ ये मंगवाया था मैंने इनसाइड का मेकअप एसेंशियल ब्यूटी ब्लेंडर स्पॉन्ज एप्लीकेटर। तो इसको मैंने अभी तक फाड़ा नहीं था, इसका श्री गणेश आपके साथ ही करूंगी मैं। तो इसको मैं डैम्प करके लाती हूँ सबसे पहले। तो इस तरह से कुछ स्पॉन्ज दिखता है, वैसे छूने में तो काफी ज्यादा सॉफ्ट एंड स्क्विशी लग रहा है। तो मैं इसको डैम्प करके आ चुकी हूँ गाइज और इसका साइज देख लो कितना बड़ा हो गया यार, और इतना ज्यादा स्क्विशी भी लग रहा है यार एट द सेम टाइम, मतलब काफी स्क्विशी है ये। आई होप ज्यादा प्रोडक्ट अब्सॉर्ब ना करे ये। तो मैं इस तरफ ये स्टे मैट फाउंडेशन लगा के देखती हूँ सबसे पहले कि कवरेज वगैरह कैसी है इसकी। Obviously it's a liquid foundation, consistency is not runny, उतनी runny नहीं है ये। और अब मैं use करूंगी beauty blender, यार coverage काफी अच्छी है, look at that, coverage is good। इसमें थोड़ी weird सी ना fragrance है पर बहुत mild है तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। Blend होने के बाद actually it's a nice match,
What do you think? इसकी बहुत ना एक्सट्रीम हाई कवरेज नहीं है, पर आई थिंक इसकी लाइक मीडियम टू हाई कवरेज है कि अगर आप इसको एक दो बार बिल्डअप करोगे ना तो आपको हाई कवरेज देगा। ये तो चमत्कार हो गया, मतलब मैंने सही शेड कैसे ऑर्डर कर दिया मुझे खुद नहीं पता है। मैट वाले फाउंडेशन के बाद मैं ये डूई वाला फाउंडेशन लगाती हूँ, HD फाउंडेशन। इसका जो टेक्सचर है ना ये उस वाले से थोड़ा रनी है, पर ये भी आई थिंक अच्छा शेड मैच है यार, मतलब वाओ। लव द कवरेज इज वेल, इट्स सो गुड, प्लस द स्पॉन्ज इज ऑल्सो रियली नाइस, नो डाउट। क्या मेरा फेस अलग अलग लग रहा है? नहीं ना, आई थिंक इसकी कवरेज ज्यादा अच्छी है मैट वाले से। तो अगर मुझे रेकमेंड करना हुआ, अगर आपकी ऑयली स्किन है आप डेफिनेटली मैट फाउंडेशन ले सकते हो, क्योंकि इसकी भी कवरेज कम नहीं है, लाइक बहुत ही मस्त है। एंड अगर आपकी ड्राई स्किन है, अभी तो विंटर्स है ना, सबको ड्यूई फाउंडेशन ज्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि स्किन काफी ज्यादा ड्राई एंड फ्लेकी हो जाती है। आई वुड हाईली 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 रेकमेंड यू गाइज दिस HD फाउंडेशन। प्लस इसमें कोई फ्रेग्रेंस एज सच मुझको लग नहीं रही है, या दिस इज फ्रेग्रेंस फ्री, तो इसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं है जो आपकी स्किन को इरिटेट करे। देखो शेड मैच तो परफेक्ट है, पर आई रियली होप कि ऑक्सीडाइज ना हो। इसका हम ऑक्सीडाइजेशन टेस्ट भी करेंगे। गाइज मेरा टॉप गंदा हो गया यार, प्लीज इसको इस वीडियो के लिए इग्नोर करना, थोड़ी मैं भावुक होके ब्लेंड करने लग गई थी। तो दोनों को ही मैं थम्स अप दूंगी, डबल डबल थम्स अप दूंगी, बिकॉज लव द फिनिश ऑफ बोथ द फाउंडेशंस। एंड आई थिंक द स्पंज हैज डन अ फैबुलस जॉब, बिकॉज माय फाउंडेशन हैज बीन ब्लेंडेड आउट सो ब्यूटिफुली। माय फाउंडेशन डजंट लुक केकी, बिल्कुल भी पैची भी नहीं लग रहा है कहीं से, एंड काफी अच्छा लग रहा है, लाइक एकदम स्मूथ सी फिनिश आई है मेरे फेस पे दोनों ही फाउंडेशंस की। तो ऑब्वियसली थोड़ा क्रेडिट इसका भी है, काफी अच्छा है, एंड प्लस इसने ज्यादा प्रोडक्ट अब्सॉर्ब भी नहीं किया। अब आती है कंसीलर की बारी, और मैं यूज करूंगी इनसाइड का HD कंसील हाई डेफिनेशन कंसीलर इन द शेड। इसका शेड मुझे मिल नहीं रहा है या फिर लिखा नहीं हुआ है, आई डोंट नो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इसका शेड नेम वगैरह। तो इसको मैं यूज करती हूँ एज अ ब्राइटनिंग कंसीलर। आप देख सकते हो कि थोड़ा लाइट है ये, ऑब्वियसली थोड़ा नहीं, काफी लाइट है। तो इसको मैं यूज करती हूँ ब्राइटनिंग कंसीलर के तौर पे, एंड इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, मैट फिनिश देता है, और मैं इसको सेम स्पंज से ही ब्लेंड करने वाली हूँ गाइज। इस कंसीलर की आप कवरेज देख सकते हो कि कितनी अच्छी कवरेज है, बहुत ही सही है, एंड ये तो आप डेफिनेटली लाइक 110% आंख बंद करके ले सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कंसीलर है अफोर्डेबल कैटेगरी में। उसके बाद मैं गाइज यूज करूंगी HD फिनिशिंग लूज पाउडर फ्रॉम इनसाइट। ये है इनका फ्लॉलेस मैट फिनिश पाउडर, तो ये बहुत फाइनली मिल्ड है, ये बहुत ज्यादा स्मूथ लगता है स्किन पे लगाने में, प्लस काफी अच्छे से मैट फिनिश दे देता है फेस को, काफी अच्छे से बेस सेट कर देता है, माई बेस डजंट क्रीज आफ्टर आई यूज दिस पाउडर। तो इसको मैं पूरे फेस पे नहीं लगाऊंगी, बिकॉज आई हैव अ फ्यू क्रीम प्रोडक्ट्स टू ट्राई इन दिस वीडियो, ठीक है। तो इसको मैं जस्ट अपने अंडर आई और आईलिड्स, पता नहीं मैं क्यों आज सब इतना मेसी कर रही हूँ, बट एनीवेज इसको मैं अपने अंडर आई पे और आंखों के ऊपर लगा लूंगी ताकि मेरा कंसीलर क्रीज ना हो। थोड़ा अराउंड माई नोज भी मैं इसको सेट करने के लिए यूज करूंगी। ये HD फिनिशिंग पाउडर भी मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट है फ्रॉम इनसाइट। इनसाइट के कुछ कुछ प्रोडक्ट्स मेरे पास पहले से ही थे, मैं काफी टाइम से यूज करती आ रही हूँ, तो मुझे पता है कि कैसे है, पर मैंने काफी सारे न्यू प्रोडक्ट्स भी देखो मंगा के रखे हैं आज के वीडियो में टेस्ट करने के लिए। एंड ये है स्मज फ्री आईब्रो पेंसिल फ्रॉम इनसाइट। ओके, सो एक तरफ गाइज हमें स्पूली मिल जाती है, मतलब काफी अच्छी चीज है ये, हमेशा आईब्रो पेंसिल्स में स्पूली होनी चाहिए साथ में, काफी कन्वीनियंट रहता है। एंड देन दूसरी तरफ वी हैव दिस एंगुलर आईब्रो पेंसिल, एंड इसका मैं एक बार आपको स्वॉच दिखा देती हूँ। दिस इज नाइस, प्लस ये काफी पिगमेंटेड है, लाइक वन स्ट्रोक एंड लुक एट द पिगमेंटेशन, मतलब काफी सही लगा मुझको ये। तो इसको मैं हल्का हल्का यहाँ पे अपने जो आईब्रो में गैप्स है ना फिल इन कर लेती हूँ। बहुत लाइट हैंड कर रही हूँ गाइस, क्योंकि पिगमेंटेड है ये आईब्रो पेंसिल, और मेरे आईब्रो के कलर के साथ मैच कर रहा है यार ये, वाह नाइस, आई एम इम्प्रेस्ड। सो आईब्रोज मैंने फिल इन कर लिया, और मुझे स्पूली भी काफी अच्छी लगी और आईब्रो पेंसिल भी काफी अच्छी लगी, थोड़ी पिगमेंटेड है तो मेक श्योर कि आप बहुत हल्के हाथ से अप्लाई करो, पर मुझे इसका फॉर्मुलेशन बहुत सही लगा, लाइक काफी अच्छा है। कुछ कुछ आईब्रो पेंसिल तो लिटरली घिसनी पड़ती है पिगमेंटेशन लाने के लिए, पर आई थिंक ये एक स्ट्रोक में बहुत एफर्टलेसली इसका कलर निकल के आ गया। इसका शेड है ब्राउन, पर ये डेफिनेटली बहुत ऐसे डार्क चाकोल टाइप ब्राउन है। आई शेडो में गाइज मुझे कुछ नहीं मिल रहा था इनसाइट में से, एंड आई थिंक
के यूजुअली पता है क्या था, या तो ग्लिटर पिगमेंट्स थे या फिर मेटालिक लिक्विड आई शेडोज थे, वो बहुत कॉमन चीज़ है। मुझे कोई आई शेडो पैलेट चाहिए थी, तो लकीली मुझे सिर्फ एक ये आई शेडो पैलेट दिखी अमेजोन पे इनसाइट की, और ये है इनकी प्रो आई शेडो पैलेट। और जब मैं इसको ऑर्डर प्लेस करी थी, मैंने रियलाइज नहीं करा कि सारे ही शिमर शेड्स हैं इसमें। तो ये है सारे शिमर शेड्स, एक भी इसमें से मैट शेड नहीं है। और पिगमेंटेशन पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। एक चीज पता है मैंने क्या नोटिस करी है, ये थोड़े चौकी है, उतने ज्यादा पिगमेंटेड नहीं है, ठीक है। एंड प्लस एक बार जैसे मैं स्वॉच करने के लिए अपनी फिंगर ऐसे स्वर्ल कर रही हूँ ना मैं पैन में, तो उतना ज्यादा मुझे स्मूथ नहीं लग रहा है इनका टेक्सचर, थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ रहा है। एंड मतलब इम्प्रेसिव पिगमेंटेशन नहीं लगी मुझे। या आई मीन दीज आर द शेड्स। पता नहीं मैं आज की वीडियो में क्या यूज करूँ। आई थिंक फॉर अ सेफ साइड मुझे कोई तो मेटालिक आई शेडो मंगाना चाहिए था। यहाँ पे मैंने थोड़े से शेड स्वॉच करे हैं, यहाँ पे एक मूव शेड स्वॉच करा है, आप देख सकते हो सारे ही शिमर शेड्स हैं। कुछ भी आई थिंक यूज करने लायक नहीं है आज की वीडियो में। आई डोंट नो, मे बी आई कैन यूज दिस शेड राइट हियर, लाइक ब्रॉन्ज शेड। पैकेजिंग अच्छी है, मेटालिक पैकेजिंग है, बट पैकेजिंग का क्या, हमें अचार डालना है, हमें तो मेन प्रोडक्ट से मतलब होता है ना, और प्रोडक्ट ही मुझे अच्छा नहीं लगा, तो इसको मैं रिकमेंड नहीं करूंगी। इसको मैं सिंपली अपने आईलिड्स पे लगा लेती हूँ, एंड आई एम गोना गो फॉर अ विंग्ड लाइनर लुक आज के वीडियो के लिए। आई थिंक हमारे पास और कोई ऑप्शन है नहीं इसके अलावा। इसका कलर पे ऑफ आप देख सकते हो कि अच्छा नहीं है, आई डोंट लाइक इट, बट ठीक है, अभी इस वीडियो के लिए हम जैसे तैसे इसको लगा लेते हैं। मैं हल्का सा गाइस ट्रांजिशन शेड लगा रही हूँ अपने एनचैंटिंग पैलेट में से, मेरी वन ऑफ द फेवरेट आई शेडो पैलेट्स में से एक है ये, तो इसको मैं हल्का हल्का इसका एक शेड यूज करके ना थोड़ा मैं डेप्थ क्रिएट कर रही हूँ अपनी क्रीज में, क्योंकि फिर अदरवाइज बहुत फ्लैट लगती हैं आईज। नेक्स्ट अप हम ट्राई करेंगे इनसाइड का आईलाइनर एक्सप्रेस, लाइनर एक्सप्रेस सॉरी, ये एक पेन लाइनर है एंड इसका MRP इज जस्ट 150, पर आई थिंक मुझे डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिस्काउंट इस पे मिला होगा। एंड दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक, मुझे पेन लाइनर्स बहुत सही लगते हैं, बहुत कन्वीनियंट लगते हैं, एंड दिस इज व्हाट द टिप लुक्स लाइक। दिस इज पिगमेंटेड प्लस द टिप इज नाइस, इट्स नॉट फ्लिम्सी, इट्स नॉट वेरी स्टिफ। सो गाइज आई एम डन विद द लाइनर, मैंने काफी थिक सा ड्रामेटिक विंग लाइनर बनाया है आज, क्योंकि मेन रीजन ये है कि यू नो जो मैंने शिमर आई शेडो लगाया था उसकी जो फिनिश है ना वो मुझको थोड़ी पैची लग रही थी एंड अनइवन लग रही थी, विच इज वाई मैंने सोचा जितना छुपा सकूं उतना छुपा लूं, इसीलिए मैंने एक ड्रामेटिक सा विंग लाइनर लगाया है। एंड ऑल्सो देर वॉज अ टाइम जब मैं ऐसे थिक विंग लाइनर्स बहुत लगाया करती थी, आई थिंक बैक इन 2016-2017 दिस वॉज माई थिंग यू नो बैक देन। ये जो लाइनर है ना ये बहुत ही मस्त लाइनर है, इसकी टिप वगैरह काफी अच्छी लगी मुझे, इसका यू नो पिगमेंटेशन काफी अच्छा लगा, इट्स जेट ब्लैक, प्लस ये काफी जल्दी ड्राई हो जाता है। सो या दैट्स द पेन लाइनर, अगेन अ बिग थम्स अप फ्रॉम माय साइड। नेक्स्ट अप मैंने ये मंगवाया था गाइस, ये है इनसाइड का 4x ब्लैक इंटेंस कोल काजल, इट्स वाटरप्रूफ, स्मच प्रूफ, लास्ट अप टू 24 आवर्स, एंड सिंगल स्ट्रोक में बेसिकली काफी पिगमेंटेशन अच्छी मिल जाती है। सो ये काजल वैसे मैंने मंगवाया तो आज की वीडियो के लिए था, पर इसको मैं यूज नहीं करूंगी अपने आईज पे। इसकी गाइज इस तरह से रिट्रैक्टेबल पैकेजिंग है एंड एक स्ट्रोक में देखते हैं कि कितनी पिगमेंटेशन मिलती है। ओके इट इज पिगमेंटेड, और इसको अभी सेटल डाउन होने देते हैं, उसके बाद इसको स्मच करके देखेंगे कि स्मच प्रूफ है या नहीं है। पर मुझे एप्लीकेशन काफी अच्छा लगा, काफी स्मूथली ग्लाइड हो गया है मेरे हाथ पे। एंड तब तक के लिए हम फाउंडेशंस का भी ऑक्सीडाइजेशन टेस्ट कर लेते हैं, ये वाला मैट है और ये वाला डूई है, और इसके साइड में ही मैं स्वॉच करके देखूंगी 10 मिनट बाद कि ऑक्सीडाइज होते हैं या नहीं होते हैं, तो सारे टेस्ट आज हाथ पे करूंगी मैं। एंड अब आती है मस्कारा की बारी ना, मस्कारा इनसाइड के सारे ही आउट ऑफ स्टॉक थे, आई थिंक देयर वर 4 मस्कारास एंड सारे के सारे आउट ऑफ स्टॉक थे Amazon पे, इसीलिए आज के वीडियो में आई डोंट हैव अ मस्कारा एंड आई डोंट हैव अ ब्लश एज वेल। ब्लश के लिए तो मैंने फिर भी जुगाड़ कर लिया, लेकिन मस्कारा मैंने काफी दिन वेट करा, वो आउट ऑफ स्टॉक ही था, सो इसलिए मैं अपना मार्स का फैबुलश मस्कारा ही लगा लूंगी। ये भी एक ऐसी ब्रांड है जिसके यू नो जिसका प्राइस पॉइंट इनसाइड जैसा ही है। आई एम प्रीटी श्योर यू गाइस कैन नॉट सी हाउ वॉल्यूमिनस माय लैशेस लुक, सिंपली बिकॉज मैंने काफी मोटा विंग लाइनर लगाया हुआ है, तो उस वजह से ना आपको मेरी लैशेस अभी पता नहीं चल रही होंगी, बट इन पर्सन गाइस ट्रस्ट मी बहुत ही अच्छा लगता है मुझको ये मस्कारा। इसकी वॉन्ड मतलब इतनी मोटी सी वॉन्ड है ना। मस्कारा मैंने लगा लिया गाइस, एंड अब जो अगला प्रोडक्ट मैं टेस्ट करूंगी वो है ये इनसाइड डुओ 2-in-1 स्टिक, ये है कॉन्टोर एंड हाइलाइटर स्टिक, एंड इसके बारे में मैंने रिव्यूज तो काफी अच्छे सुने हैं, तो इसको आज हम टेस्ट करके देखेंगे कि ये कैसा वर्क करता है। तो इस तरफ ये स्टिक मिल जाती है गाइज, एंड जो मैंने शेड लिया है वो है 02,
कॉफी फॉर मीडियम स्किन टोन. इसमें और भी शेड्स आते हैं. सो ये वाला इस तरफ हमारा कॉन्टोर शेड है एंड देन इस तरफ हमारा हाइलाइटर शेड है. तो मैं दोनों को ही स्वॉच करके दिखा देती हूँ. वैसे कहाँ ही स्वॉच करूँ, हाथ पे जगह नहीं है. तो मैं आपको इस तरफ पाम की साइड स्वॉच करके दिखाती हूँ. ओके, दिस इज क्रीमी गाइज. एंड देन वी हैव दिस हाइलाइटर शेड. ओके, हाइलाइटर भी काफ़ी अच्छा है. इट्स लाइक अ क्रीम हाइलाइटर. एंड सरप्राइजिंगली इसके जो शिमर पार्टिकल्स हैं, दोज आर नॉट चंकी, दोज आर लाइक वेरी फाइन, विच आई रियली लाइक. मुझे ना गाइज इसका फॉर्मुलेशन काफ़ी अच्छा लगा. लाइक यू नो, आई एम नॉट इन टू क्रीम कॉन्टोर्स टू बी ऑनेस्ट. मैं प्रेफर करती हूँ यू नो पाउडर कॉन्टोर्स एंड ऑल. बट ठीक है, आज ये क्रीम वाला टेस्ट करके देखते हैं. आई रियली होप कि ये ब्लेंड हो जाए यार. दिस इज एक्चुअली अ नाइस शेड. That's a pimple by the way. You know, कुछ क्रीम प्रोडक्ट्स के साथ दिक्कत आती है ना कि ब्लेंड करने में बहुत टाइम लगता है, 7 जन्म लग जाते हैं. बट आई थिंक ये वाला जो प्रोडक्ट है ना गाइज, काफी जल्दी ब्लेंड हो गया है स्किन में. लाइक काफी एफर्टलेसली ब्लेंड हो रहा है. मुझे ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ रहे हैं. तो कॉन्टोर स्टिक मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी एंड इसका हाईलाइटर भी बहुत प्यारा है. तो ये तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी. इफ यू आर इन टू क्रीम प्रोडक्ट्स ना, तो आप ये वाला ले सकते हो. बिकॉज जस्ट लुक हाउ नेचुरल दिस कॉन्टोर लुक्स. नो हार्श लाइन्स एंड इट जस्ट लुक्स रियली ब्लेंडेड यू नो इन टू द स्किन. और अब आती है गाइज ब्लश की बारी. सो इनसाइड का कोई ब्लश नहीं है जहां तक मुझे पता है. मैंने काफी ढूंढा बट मुझे कोई ब्लश नजर नहीं आया. इसलिए मैंने गाइस ये लिप क्रियोन लिया है इनसाइड का. ये लिपस्टिक है बाय द वे. सो इसको मैं एज अ ब्लश यूज करने वाली हूँ. ये काफी सुंदर सा ना पीची सा कलर है. आई थिंक बहुत प्यारा लगेगा ये शेड एज अ ब्लश. और जो मैंने शेड लिया है वो है 22 टैमिंग एंगर. इट्स लाइक अ वेरी ब्यूटिफुल म्यूटेड सॉर्ट ऑफ अ पीच शेड. दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक. इसको मैं एज अ क्रीम ब्लश आज लगा लेती हूँ एंड देन आई एम गोना ब्लेंड दिस विद माई ब्यूटी ब्लेंडर ओनली. डोंट यू थिंक इट लुक्स नाइस एज अ ब्लश शेड. मतलब जुगाड़ करना तो कोई मुझसे सीखे. बिकॉज इट्स अ लिपस्टिक ना, तो थोड़ा एफर्ट लग रहा है इसको ब्लेंड करने में. बट आई थिंक दैट्स फाइन. सो आई एम डन विद द ब्लश गाइज. आई मीन काफी अच्छे से ब्लेंड हो गया है. थोड़ा टाइम लगा बट आई थिंक काफी प्यारा लग रहा है ये शेड एज माई ब्लश. और ऑब्वियसली आप इसको एज अ लिपस्टिक तो यूज कर ही सकते हो. ऑब्वियसली लिपस्टिक ही है यार ये. एंड ये काफी अच्छी लगेगी फेयर टू मीडियम स्किन टोन पे. नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट द हाईलाइटर स्टिक. लेकिन मैं पता नहीं कहाँ थी, मेरा ध्यान कहाँ था जब मैं ऑर्डर प्लेस कर रही थी. ये क्रीम हाईलाइटर भी मैंने मंगवा लिया है इन साइड का इन द शेड 03 एंजेलिक ब्यूटी. तो मैं अपने चीक बोन्स पे ये वाला यूज करूंगी एंड अपने नोज पे एंड क्यूपिड्स बो एंड ऑल पे ये वाला शेड यूज करूंगी. मतलब मैं लिटरली खिलवाड़ कर रही हूँ आज अपने मेकअप के साथ, क्योंकि बेस भी अलग अलग लगाए हुए हैं. वो तो पता नहीं चल रहे हैं उतने. पर आई एम वेयरिंग लाइक टू डिफरेंट फाउंडेशंस ऑन माय फेस. आई एम अप्लाइंग दिस एंजेलिक ब्यूटी. ओके, दिस इज ब्यूटीफुल. काफी सुंदर तरीके से स्किन में ब्लेंड हो चुका है एंड इट्स नॉट लुकिंग वेरी चटाक. ऐसे आउट देयर वाला हाइलाइटर नहीं लग रहा है. काफी अच्छा सा ब्लेंडेड सा हाइलाइटर, लाइक अ नेचुरल ग्लो टाइप का लग रहा है. तो मुझको काफी पसंद आया इसका फॉर्मुलेशन. दिस इज नॉट वेरी क्रीमी. दैट्स द एंजेलिक ब्यूटी हाइलाइटर फ्रॉम इनसाइड. एंड देन लेट्स टेस्ट आउट दिस हाइलाइटर स्टिक ऑन माय नोज. थोड़ा फनी लगेगा बट कोई बात नहीं. एंड इसको मैं अपने फिंगर से ही ब्लेंड कर लेती हूँ. ओके, दिस लुक्स ब्यूटीफुल नो डाउट. काफी अच्छा लग रहा है. व्हाट डू यू थिंक? ये भी काफी स्मूथली ब्लेंड हो रहा है गाइज. पर इसका जो अंडरटोन है ना, दैट वुड बी आई थिंक सूटेबल फॉर फेयर टू मीडियम स्किन टोन ओनली. शिमर पार्टिकल्स आर रियली फाइन प्लस द फॉर्मुलेशन इज रियली स्मूथ एंड क्रीमी. सो मुझको ये डुओ स्टिक काफी अच्छी लगी. नाउ आई नो के क्यों लोगों को ये इतना पसंद है. बिकॉज ये प्रोडक्ट है ही इस लायक कि इसको पसंद किया जाए. इतना मजा आ रहा है ना आज इनसाइड मेकअप से खेलने में कि मुझे पता नहीं चला कि आई एम जस्ट लेफ्ट विद लिपस्टिक एंड सेटिंग स्प्रे नाउ. सो आई हैव 3 लिपस्टिक ऑप्शन. Obviously, the first one is lip crayon. The second one is this one. I think कोई new lipstick है inside की. This is a matte lip ink. ठीक है. And then I have my all-time favorite non-transfer lip color in the shade ferocious pink. I think with the blue, I'm gonna apply this pink lipstick. It's gonna look beautiful. But मैं आपको एक बार ये matte ink का भी दिखा देती हूँ swatch. It's like a dark brown shade. By the way, this is transfer proof. This is very lightweight. It is non-drying. I've already tested the formulation earlier. So that's why I am telling you. See, थोड़ा सा ऐसा burgundy सा brownish सा like दोनों को कुछ mixture type का लग रहा है जो कि मुझे काफी प्यारा लग रहा है ये shade. For this video, I'm gonna apply my inside non-transfer lip color. So ये एक liquid lipstick है and this is such a beautiful pink for everyday wear. And इसका जो formula है ना guys, it's a little bit drying, not gonna lie. ये long lasting भी नहीं है, थोड़ा fade हो जाता है meals वगैरह के बाद. पर आई फील के इतना ज्यादा अफोर्डेबल लिपस्टिक है ना, इट्स ओके इफ इट्स नॉट लॉन्ग लास्टिंग इनफ. आप
आप रिप्लेनिश कर सकते हो. तो इसकी जो फिनिश है एकदम मैट है, इट्स ट्रांसफर प्रूफ इज वेल. सो या दैट वॉज द लिपस्टिक एंड नाउ वी जस्ट लेफ्ट विद द इनसाइड का मेकअप फिक्सर स्प्रे. अगेन मैंने इसको पहले यूज किया हुआ है एंड आई क्वाइट लाइक द सेटिंग स्प्रे. ये अफोर्डेबल कैटेगरी में काफी अच्छा सेटिंग स्प्रे है, काफी लॉन्ग लास्टिंग बना देता है मेकअप को एंड काफी अच्छे से सेट करके रखता है. माई मेकअप डजंट स्मज और बज एंड काफी अच्छी सी एकदम नेचुरल फिनिश देता है. तो इसको फटाफट से स्प्रिट्स कर लेती हूँ अपने फेस पे. द ओनली थिंग इज गाइज कि इसका जो फ्रेग्रेंस है ना इट्स स्ट्रॉन्ग, सो दैट्स व्हाट आई डोंट लाइक. अदर देन दैट आई फील दिस इज अ ब्यूटीफुल सेटिंग स्प्रे. सो माय मेकअप इज डन एंड मैं काफी देर से रिकॉर्ड कर रही थी, यू नो आई वाज डूइंग द ऑक्सीडाइजेशन एंड स्मज टेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स, पर आई रियलाइज माई कैमरा वॉज नॉट रिकॉर्डिंग. सो अभी मैंने फिर से लगाया है ये. वी हैव द काजल ओवर हियर, वी हैव द मैट फाउंडेशन एंड वी हैव द डूई फाउंडेशन ओवर हियर. आई रियली लाइक हाउ माई आईज एंड माई लिप्स आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, स्पेशली द आई शेडो. थोड़ा ऑब्वियसली वो छुप गया है आई शेडो बिकॉज ऑफ माई थिक ड्रामेटिक लाइनर, पर मुझे लग रहा है दोनों आपस में अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं दूसरे को. प्लस अगर आप थोड़ा सा लाइनर पता कर दो तो इट वुड बी अ नाइस एवरीडे वेयर लुक फॉर डे टाइम. एंड या आई एम रियली लाइकिंग माई मेकअप, आई थिंक इट लुक्स रियली फ्रेश एंड नाइस. और अब करेंगे इसका स्मच टेस्ट एंड ऑक्सीडाइजेशन टेस्ट. सो सबसे पहले हम काजल का देखते हैं कि स्मच प्रूफ है या नहीं है. आई एम जस्ट गोना ट्राई स्मजिंग इट विद टू फिंगर्स. इट इज नॉट स्मच प्रूफ, ये स्मच हो गया है, जस्ट लुक एट दैट. सो आई वुडंट रेकमेंड यू गाइज टू बाय द काजल ऑफ कोर्स. एंड नाउ लेट्स डू एन ऑक्सीडाइजेशन टेस्ट. ये वाला है हमारा मैट फाउंडेशन एंड इसके जस्ट साइड में मैं एक फ्रेश स्वॉच कर लेती हूँ. आई थिंक जस्ट हाफ शेड ऑक्सीडाइज हुआ है एंड दैट्स प्रीटी मच नॉर्मल फॉर द फाउंडेशंस. सो या दैट्स द फ्रेश स्वॉच, दैट्स द पुराना वाला स्वॉच एंड आई एम गोना स्वॉच द डूई फाउंडेशन. ओके सो इसका ना गाइज एक्चुअली थोड़ा सा अंडरटोन चेंज हो गया है. सो दिस इज अ फ्रेश स्वॉच, दिस इज अ पुराना वाला स्वॉच. ये थोड़ा पिंकिश अंडरटोन में आ गया, कूल अंडरटोन में आ गया एंड ये वाला थोड़ा बेज वॉर्म अंडरटोन में है. सो इसका अंडरटोन चेंज हो गया बट आई थिंक इधर मैंने लगाया हुआ है ना फेस पे ये नॉर्मल लग रहा है. मतलब फेस पे मुझे उतना ऐसा कुछ फर्क पता नहीं चल रहा है. एट द एंड ऑफ द डे मैटर ये करता है कि प्रोडक्ट्स हमारे फेस पे कैसे लगते हैं, प्रोडक्ट्स की फिनिश कैसे आती है एंड आई थिंक आई इक्वली लव बोथ द फाउंडेशंस. सो ये तो मेरे लिए डेफिनेटली थम्स अप है. एंड विद दैट आई एम डन विद टुडेज वीडियो. दैट वाज माय एपिसोड 3 ऑफ फुल फेस ऑफ वन ब्रांड. आई रियली होप यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग द वीडियो एंड फाउंड द वीडियो हेल्पफुल. जो जो प्रोडक्ट्स मैंने रेकमेंड करे हैं सारे ही लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो चेकआउट करना मत भूलना बिकॉज लाइक आई सेड कि सब कुछ बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है इस पर्टिकुलर ब्रांड में से. अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, ये एपिसोड 3 अच्छा लगा हो, देन प्लीज मेक श्योर यू गिव इट अ बिग थम्स अप. सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस. इन केस यू गाइस वुड लाइक टू कनेक्ट विद मी ऑन माय सोशल मीडिया हैंडल्स, आई एम गोना लीव ऑल द लिंक्स फॉर यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एज ऑलवेज. एंड यस, आई शिल सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन यू ऑल प्लीज स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड बी काइंड टू योरसेल्फ एंड अदर्स. बाय बाय.